नमस्कार, मैं रूप किशोर, राजपूत क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां कोराम थाना क्षेत्र के बड़ोखर में सोते समय महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है। और सोचने की बात है कि वहीं बगल में सो रही उसकी 1.5 वर्षीय बेटी को खरोंच तक नहीं आई है। सुबह जानकारी होने पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुँच गए। जाँच पड़ताल के साथ ही हथियारों का सुराग लगाने के लिए फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड टीम प्रयास कर रही है। जिस महिला की हत्या हुई उसका नाम शबाना बेगम था। वह मिर्जापुर जिले के निवासी थी। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उसकी शादी प्रयागराज जिले में कोराम थाना क्षेत्र के बड़ोखर के रहने वाले मोहम्मद नौशाद अली से हुई थी। शुक्रवार की रात वह अपनी 1.5 वर्षीय मासूम बेटी के साथ सो रही थी। रात में किसी समय हत्यारे वहाँ पहुँचे और धारा हथियार से गला काट रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पाकर कोराम थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। कुछ देर बाद ही मेजा सीओ अमिता सिंह, देखते रहिए क्रांतिकारी खबर विस्तार से। प्रयागराज से नरेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। आइए जानकारी करते हैं एसपी यमुनापार दीक्षित से, क्या है पूरा मामला। आज सुबह थाना कोराम पुलिस को करीबन 7 बजे एक सूचना मिली थी कि एक महिला सबा बानो, जिनकी उम्र करीब 23 वर्ष है और जो कि ग्राम बड़ोखर की रहने वाली हैं, इनके ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनके गर्दन पर प्रहार कर दिया है, जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई है। तत्काल इस सूचना पर थाना प्रभारी के साथ सभी उच्चाधिकारी मौके पर आए। हमारी फॉरेंसिक टीम जो है इसके द्वारा साक्ष्य संकलन यहाँ पर किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में जो बातें निकली हैं वो ये हैं कि फिलहाल इनके घर में 2 महिलाएं मौजूद थीं, सबा और उनकी जेठानी। जो घर के दरवाजे हैं वो अंदर से ये लोग बंद करके रात में सोए थे। जो जीवित जेठानी हैं, इनको द्वारा बताया गया है कि आज सुबह जब वो उठी तो घर के दरवाजे खुले हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा था जो कि मृतका का जानने वाला था और घर वालों के ही द्वारा ये दरवाज़ा खोल दिया गया था। फिलहाल जो शव था उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे कि मृत्यु के सही समय का पता लगाया जा सके। जो पीड़ित पक्ष है इनसे एक तहरीर प्राप्त करके अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बहुत जल्द सभी साक्ष्य संकलन करते हुए इस घटना का सफल अनावरण कर लिया जाएगा।